आगरा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज दिनांक 7 अगस्त को मंडल दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग जिला आगरा की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक के अधिकार खतरे में हैं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने मंडल कमीशन की नौकरियां और शिक्षण समस्या में 27% आरक्षण लागू किया था। उस 27% आरक्षण में वर्तमान सरकार विचारों की अनदेखी कर रही है। मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करते हुए पिछड़े के हक और सम्मान की रक्षा हेतु भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय के लिए डीएम साहब को आज महानगर और जिला कमेटी ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे थी कि मंडल कमीशन की सभी से पारस से पूरी तरह से लागू की जाए, जाति जनगणना कराई जाए, आबादी के अनुपात में सभी को यह सिधारी दी जाए, आरक्षित वर्गों को बैंक लोग भर्ती शुरू करके नौकरियां सुविधाएं दी जाए, नीट मेडिकल की परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रोकने का लगभग 10,000 सीटों का नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था की जाए, निजी क्षेत्रों में भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर आरक्षण को लागू कर दिया जाए, लेटरल एंट्री बंद की जाए। जिला अध्यक्ष नंद किशोर कश्यप, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, सुलेखा श्रीवास्तव, संतोष बघेल, अमित चाहर, बलवीर यादव, प्रबल यादव, हर नारायण वर्मा, विवेक यादव, प्रेम सिंह राठौर, प्रताप राठौर, राजीव कोड़ान, अंकुश योगेश राठौर, प्रवीण प्रजापति, राजेश राठौर, सोनू चौरसिया, श्याम सुंदर यादव, एलएस कश्यप, शिव कुमार प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने